So in this video, let us start the new topic, trigonometric ratios of complementary angles. कोई भी complementary angles है उसका trigonometric ratios find करना है. So in this topic, there are six formulas. जैसे यहाँ पे दिया हुआ sin 90 minus a equal to cos a, या cos 90 minus a equal to sin a. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, there are six formulas. तो ये कैसे हमको मिलेगा, इसी को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, है ना. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपल टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. उसके बाद हम लोग पढ़ रहे सेकेंड टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज़ द टॉपिक. तो इसको हम लोग यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे कोशिश करेंगे. हियर पहले तो ये हम समझ लें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है. टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज 90 degree. जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उस पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको. इसी तरह से अगर दो एंगल्स का सम 180 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 degree. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिग्नम एक ट्रायंगल्स कंसिडर कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल. ए बी सी बी एनी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल बी कितना है 90 degree. सो हियर इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 degree, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. तो इसमें अगर एक एंगल बी 90 है तो ए और सी का सम कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 90 degree. तो जब दो एंगल ए और सी का सम 90 हो गया, इसका मतलब कि ए और सी क्या कहलाएंगे, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ए डिफिनीशन में यहाँ बताया गया है कि जब दो एंगल्स का सम 90 होगा तो यहाँ पे दो एंगल क्या हो गया, ए और सी. ए और सी का सम 90 है क्योंकि बी तो इट्सेल्फ 90 degree है यहाँ पे. इट मीन्स कि ए एंड सी फॉर्म अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. और इसमें से हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, या ए इक्वल टू 90 माइनस सी भी लिख सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस ए. ये इतना तो क्लियर हो गया होगा. नाउ अगेन कंसिडर इन ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वी हैव साइन ए. हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ चुके हैं. साइन ए, साइन का फार्मूला होता है पी बाई एच. तो साइन ए एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइपरटेन्यूज तो ठीक है ए सी ही होगा, दैट इज़ बी सी बाई ए सी, ये पी बाई एच हो गया. एंड साइन सी, अगर हम सी एंगल को ले लेते हैं तो इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, उल्टा हो जाता है. तो देखिए यहाँ पे साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपरटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, क्योंकि एंगल हमारा सी अब बदल गया, पहले ए था अब सी हो गया. तो पी बाई एच दैट इज़ ए बी बाई ए सी. और हम सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए, एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस ए. तो इस सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस ए इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए बी माइनस ए सी. तो साइन ए इक्वल टू बी सी बाई ए सी हो गया, एंड साइन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी. ठीक है, इसको यहाँ तक छोड़ दिया हम लोग. अब नाउ कंसीडर कॉस ए. अब हम लोग कॉस भी फाइंड कर लेते हैं. कॉस ए इक्वल टू, कॉस का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपरटेन्यूज. तो जब एंगल ए लेंगे तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, ए बी ही हो जाएगा, इसी साइड पे एंगल बन रहा है ए. तो बी दैट इज़ ए बी, बेस हो गया क्या, ए बी, एंड हाइपरटेन्यूज क्या हो गया, ए सी. तो कॉस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी. एंड कॉस सी, जैसे साइन सी निकाले थे यहाँ कॉस सी भी निकाल रहे हैं. कॉस सी, सी मीन्स 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए. कॉस का फार्मूला फिर वही होता है बेस बाई हाइपरटेन्यूज.
तो जब एंगल सी हम लोग ले रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा, बी सी, दैट इज़ बी सी बाई ए सी। यहाँ पे फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बेस बाई हाइपोटन्यूज, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो कॉस ए है, कॉस ए का वैल्यू क्या मिला है, ए बी बाई ए सी, और साइन 90 माइनस ए का वैल्यू क्या मिला, ए बी बाई ए सी। देखिए इन दोनों का आर एच एस सेम हो गया, यहाँ पे ए बी बाई ए सी एंड ए बी बाई ए सी। इसका मतलब हमको यहाँ से एक फार्मूला मिल गया कि साइन 90 माइनस ए इज आल्सो इक्वल टू कॉस ए, है ना। जब दोनों का आर एच एस सेम हो गया, इसका मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो पहला फार्मूला यहाँ पे देखिए प्रूफ हो गया, साइन 90 माइनस ए इज आल्सो इक्वल टू कॉस ए। देखिए यहाँ पे सो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए साइन ए इक्वल टू बी सी बाई ए सी, और यहाँ से देखिए कॉस 90 माइनस, हम सी को यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं एक्चुअली, हम सी की जगह भी ये वैल्यू रख दिया है, कॉस 90 माइनस ए इज आल्सो इक्वल टू बी सी बाई ए सी। तो देखिए दोनों का आर एच सेम मिल गया यहाँ पे, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। इसका मतलब कि फिर दोनों का एल एच एस सेम हो जाएगा, दैट इज साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। सो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। तो देखिए यहाँ पे ए और सी क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और किसी भी एंगल का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करते हैं तो क्या हो जाता है, 90 माइनस। जैसे आपसे कोई अगर बोले कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 90 माइनस 40 दैट इज़ 50। तो यहाँ पे 90 माइनस ए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस में, कॉस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइन में। इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए पहला फार्मूला, फिर कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। तो इस पेयर से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका डेरिवेशन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, हम ये समझाने के लिए आपको बस ये कर रहे हैं कि ये कैसे हमको यहाँ पे मिल जाएगा, हमको खाली फार्मूला यहाँ पे याद कर लेना है। तो ये एक पेयर ये हो गया, इसी तरह से आपको रिमेनिंग पेयर सिमिलरली हम लोग इसको लिख देंगे। सिमिलरली tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot a, tan किस में बदल जाएगा, cot में, और cot 90 माइनस ए, cot किस में बदल जाता है, tan में, उल्टा हो जाता है, tan cot में और cot tan में। इसी तरह से एंड sec 90 माइनस ए इक्वल टू cosec, sec cosec में बदल गया, और cosec 90 माइनस ए इक्वल टू sec a। तो हमको ये सिक्स फार्मूला यहाँ पे, दो ये हो गया, दो ये हो गए चार, और दो पहले वाले, ये टोटल सिक्स फार्मूला यहाँ पे मिल जाएंगे, और हमको इनको फ्रिक्वेंटली याद रखना है, ओके। इस एक्सरसाइज में इसी का यूज़ होगा, सिक्स फार्मूले का। ये सारे एंगल ए के लिए ट्रू होगा जो बिटवीन 0 to 90 degree, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी क्लास 10 में, वो अप टू 90 डिग्री तक ही पढ़ रहे हैं। सो दे आर ट्रू, दिस फार्मूले आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए लाइंग बिटवीन 0 to 90 degree। ये सारे जो फार्मूला है ये 0 to 90 के लिए ट्रू होंगे, ओके। सो यू मस्ट लर्न दिस फार्मूला, एंड आफ्टर दैट वी शैल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3।